नमस्कार, न्यूज रूम पोस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कुणाल। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर जोशी का निधन हो गया है। मनोहर जोशी लंबी बीमारी और उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और शुक्रवार की सुबह मनोहर जोशी ने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है गुरुवार को उनको दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। खबर सामने आने के बाद राजनेता सोशल मीडिया के जरिए अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मनोहर जोशी का राजनीतिक करियर काफी उम्दा रहा था। तो चलिए जानते हैं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर जोशी का राजनीतिक करियर कैसा रहा था। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर जोशी को राजनीति की दुनिया में सर कहकर बुलाया जाता था। ये उनका पॉपुलर नाम था। जोशी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। बता दें वो महाराष्ट्र के विधानमंडल के दोनों सदन और परिषद के भी सदस्य थे। राजनीतिक गलियारों में उनकी मेमोरी को लेकर कई तरह की बातें की जाती थी। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी और वो कुछ भी नहीं भूलते थे। उन्हें अलग अलग विषयों का बहुत ज्यादा ज्ञान था। पढ़ाई की बात करें तो पढ़े लिखे होने के साथ साथ वो एक सफल राजनीतिज्ञ और व्यवसायी भी रहे। डॉक्टर जोशी साल 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। इसके अलावा विपक्ष के नेता और मुंबई के मेयर का पद भी संभाला। साल 2002 से लेकर 2004 तक उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर काम किया और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो उद्योग मंत्री भी थे। डॉक्टर जोशी मूल रूप से महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। उनका जन्म महाराष्ट्र के तटीय कोंकण क्षेत्र के रायगढ़ जिले के नंदवी में हुआ था। उन्होंने आर्ट्स में मास्टर्स और LLB का कोर्स भी किया। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत BMC में काम करने के दौरान हुई थी, जब उन्होंने बाला साहेब के मराठी मानुस के कल्याण में अपनी भागीदारी निभाई और शिवसेना का हिस्सा बन गए। तो ये थे वो महाराष्ट्र और देश के सियासत में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले डॉक्टर मनोहर जोशी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।